अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कुंदिया स्पेशल कोल ट्रेन GU40 सीरीज़ के लोकोमोटिव GU49001 के साथ आ रही है। सनावा लेवल क्रॉसिंग पे पहुंच रही है हैवी फॉगी वेदर में, और आज डेट है 19 जनवरी 2024। टाइम हो चुका है 7:45। तो फिर देखते हैं फॉगी वेदर में 9001 लोकोमोटिव के साथ कुंदिया स्पेशल कोल ट्रेन। ट्रेन बिल्कुल करीब आ चुकी है, लाइट्स विजिबल नहीं है। एक के साथ ये थी कुंदिया स्पेशल कोल ट्रेन, जो कि फॉगी वेदर में सनावा से पास हुई है तकरीबन 30 की स्पीड से। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, अब सकूफर क्रेन सनावा लेवल क्रॉसिंग पे पहुंच रही है और ये LHF मोड में आ रही है। मेरे ख्याल में इसका नंबर है ML947। आज डेट है 19 जनवरी 2024। टाइम हो चुका है 5:55। 1:07 आपका टाइम है, और ये 1:07 आपका जो है ना टाइम वेस्ट करेगी, क्योंकि सनावा से इसको थ्रू कर रहे हैं, जबकि 1:07 आप महमूदकोट पहुंच चुकी है। वन टू सेवन महमूदकोट से सनावा तक 16 मिनट लगाएगी, और ये सनावा से कोटदू तक तकरीबन 35 मिनट लगाएगी। तो 1:07 आपके तकरीबन 15-20 मिनट तो लाजमी ज़ाया होंगे। डेट है आज 19 जनवरी 2024। टाइम हो चुका है 9:02।
129 अब रनिंग लेट 30 मिनट्स। सनामा लेवल क्रॉसिंग पे पहुंच रही है हैवी फॉगी वेदर में। और ये देखें ट्रेन के लिए सिग्नल डाउन है, लीवर पीछे कैचे हुए हैं, जब लीवर पीछे कैचे हों तो सिग्नल डाउन होता है। तो लोकोमोटिव आज 129 आपके साथ आ रहा है जी, HBU 20 8050 न्यूली रिफर्बिश्ड लोकोमोटिव। और अब ट्रेन जो है ये गुरमानी स्टेशन से चल रही है 129, तो देखेंगे फिर फॉगी वेदर में 129 अब कितनी स्पीड से पास होती है, कितनी कोचेज के साथ। और आपने देखना है कि फॉगी वेदर में ट्रेन्स कैसे पास होती हैं या नहीं। और मैं आज आपको बताता हूँ कि कुछ हमारे सेक्शन के रेलवे ट्रैक्स के बारे में कि कितनी स्पीड हमारे सेक्शन पर अलाउ है गुड्स ट्रेन के लिए और एक्सप्रेस के लिए। और इसको हम जो है ना मेन लाइन से फिर कंबाइन करेंगे। तो सबसे पहले हमारे सेक्शन पर जो है ना एक्सप्रेस ट्रेन के लिए 80 किलोमीटर स्पीड अलाउ है, 80 की स्पीड जो है ना कुंदिया चनाब वेस्ट बैंक से, चनाब वेस्ट बैंक से कुंदिया तक हमारे सेक्शन है यानी कि ML2 मेन लाइन 2, तो इधर अलाउड स्पीड एक्सप्रेस के लिए है 80 किलोमीटर पर आवर। अब 80 किलोमीटर पर आवर तो पूरे सेक्शन की स्पीड नहीं है, यानी वैसे तो 80 किलोमीटर अलाउड है, लेकिन कुछ ऐसे स्टेशन भी हैं जहां पर यानी कि 50 किलोमीटर का काशन भी आ जाता है, 30 किलोमीटर का काशन भी आ जाता है। और 127 अब जो है ये यानी मुल्तान से जब चलती है, मुल्तान से शेरशाह तक, तो ये यानी ड्राइवर साहब जो है ना इजीली 100 की स्पीड तक भगाते हैं इसको, या 129 भी है क्योंकि वो मेन लाइन है, वहाँ पर 110 की स्पीड अलाउ है, ठीक है एक्सप्रेस के लिए। और गुड्स के लिए भी मेरे ख्याल में उधर 70 से ऊपर अलाउ होगी, तो वहाँ तक तो गाड़ी सही चलती है। उससे आगे फिर जब शेरशाह से डाइवर्ट होती है इधर ML2 पे, तो इधर से फिर इसकी अलाउड स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो जाती है, यानी 80 की स्पीड अलाउ हो जाती है इसे। और मेरे ख्याल में तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना गाड़ी फिर शेरशाह के बाद थर्मल पावर स्टेशन से पोथ रेलवे स्टेशन जो है ML2 का, वहाँ तक तेज़ भागती है क्योंकि वहाँ जो है ना ट्रैक अपग्रेडेड है, बना हुआ है, कंक्रीट स्लीपर्स उधर लगे हुए हैं, तो उधर फिर गाड़ी की स्पीड तकरीबन 90 तक ड्राइवर साहब भगाते हैं। उससे आगे तो फिर खसूसन जो हमारा ट्रैक है इधर गुरमानी से सनामा का, तो इधर तो तकरीबन 1.5 साल से 50 किलोमीटर स्पीड का काशन लगा हुआ है एक्सप्रेस के लिए। तो नॉर्मल स्पीड तकरीबन 1 साल से, मैंने तो जब से चीज़ चैनल बनाया है अपना, तो तब से मैं तो देख रहा हूँ कि 1 साल से ही कोई ख़ास स्पीड में ट्रेनें नहीं गई हमारे सेक्शन पर, यानी जब से इधर 50 किलोमीटर स्पीड का काशन लगा है ना, तो इधर से ट्रेन फिर ज़्यादा स्पीड में नहीं गई, ज़्यादा से ज़्यादा 80-85 तक कभी कभी ड्राइवर साहब जाते हैं, अदरवाइज़ मुश्किल है। तो इधर बखर से आगे फिर पांजीग्रही साइड पर, पांजीग्रही से अलूवाली तक भी ट्रेन बहुत ही स्लो चलती है, यानी उधर कलूरकोट साइड पे तो 127 और 129 128 ये भी तकरीबन 30 किलोमीटर स्पीड से चलती हैं, क्योंकि उधर ट्रैक पे जो है ना मट्टी आ जाती है सारी, तो सारा जो है ना वो काशन एरिया है। तो हमारे सेक्शन की बात की जाए तो ये बस रफ सेक्शन है, यानी इधर जैसे 80 की स्पीड अलाउ है तो 80 तक गाड़ी भागती भी नहीं है इतना ज़्यादा, यानी छोटे छोटे स्टेशन हैं। अब गुरमानी से सनामा 5 किलोमीटर का सफ़र है, तो 5 किलोमीटर में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन कितनी स्पीड पर करती होगा आप खुद सोच सकते हैं। जैसे पावरें चल रही हैं अब 80-60 चल रही है, तो ये तो ज़्यादा से ज़्यादा 65 की स्पीड 70 की स्पीड पर करती होगी, चाहे 6 नज़र 20 के लगा दिए जाए। तो ये थी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो रेलवे ट्रैक्स के बारे में, हमारे सेक्शन के जो पुनिया सेक्शन के रेलवे ट्रैक के बारे में। बाकी मेन लाइन पर तो एक्सप्रेस ट्रेन के लिए 110 की स्पीड अलाउ होती है शेरशाह शुजाबाद समा सेक्शन पर, रोड़ी कोटरी सेक्शन पर, लेकिन हमारे सेक्शन पर जो अलाउड स्पीड एक्सप्रेस के लिए 80 और गुड्स ट्रेन के लिए 30 की स्पीड अलाउ है, 30-35, लेकिन आजकल गुड्स ट्रेन ड्राइवर साहब जो है ना 50 की स्पीड में भी चलाते हैं हमारे सेक्शन पर, यानी ट्रैक के लिहाज से, क्योंकि ड्राइवर ही बेहतर समझते हैं ट्रैक को। ये देखें 129 आपका विसल, लाइट्स विजिबल नहीं है अभी,
8050 129 आपके साथ आज लोकोमोटिव है। ये देखिए आज हैवी फॉग है। अब तकरीबन 40 की स्पीड से पास हुई है फॉगी वेदर में। डाउन ZBKH स्पेशल एम्प्टी ट्रेन एट सनामा विद GU49006 लोकोमोटिव वेटिंग फॉर डिपार्चर।